काफ़ी टाइम हो गया है और लगभग 2 महीने हो गए मेरे लास्ट वीडियो का हुए, मतलब AMV, और लगभग 4 महीने हो गए मेरे R&D टाइप वीडियो आए हुए, और काफ़ी टाइम बीत गया है और बहुत कुछ हो गया इस मतलब इन 4 महीनों में। मतलब कुरामा मर गया, नारुतो लाइफ का चुत हो गया, वन पीस सो कॉल्ड नंबर 1 बन गया है, और बहुत बहुत सारी चीज़ें हो गई है। लेकिन आज कुछ और ही वीडियो है, मतलब आज का टॉपिक थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। तो आज का टॉपिक है बेस्ट आउट ऑफ बिग 3। और जो कि ये कंट्रोवर्शियल है और मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में गालियाँ नहीं चाहिए, मैं यहाँ पर सिर्फ डिस्कस करूँगा कुछ पॉइंट्स के ऊपर और डिसीजन ऑडियंस पर ही छोड़ दूंगा। ऑडियो क्वालिटी बहुत ही घटिया ही होगा क्योंकि 105 सब्सक्राइबर से कोई चैनल मोनेटाइज नहीं होता और मेरे पास अभी पैसे नहीं है माइक खरीदने को। बेयर विद इट। एंड लास्ट एंड फाइनल थिंग इज टू सेव टाइम और आपका भी हमारा भी। मैंने ऑब्वियस चीज़ को सबसे पहले कंसिडर किया और ऑब्वियस ऑपोजिट विनर को साइड लाइन कर दिया है फॉर द मोस्ट पार्ट। दैट मीन्स ब्लीच पहले राउंड से वाइल्ड कार्ड से हार गया है। बेसिकली ये वन पीस वर्सेस नारुतो ही वीडियो होगा क्योंकि ब्लीच तो आपको बताइए ऑब्वियस रीजन टाइम बचाना पड़ेगा। नारुतो या फिर वन पीस का प्लॉट जो है आप मोस्ट जेनरिक या फिर सिंपली स्पीकिंग मोस्ट सोनेन टाइप प्लॉट है। मैं ज़्यादा कंप्लेन करने की कोई बात भी नहीं क्योंकि इन्हीं शो ने सोनेन जेनर को डिफाइन किया कि सोनेन खाते हैं पीते हैं या फिर कहीं डालते हैं, वो आप कह सकते हैं कि बेसिकली स्पीकिंग सोनेन जेनर आखिर है क्या चीज़। तो लेकिन इसमें भी एक पॉइंट है कि आप अगर गूगल में सर्च करेंगे तो आप देखेंगे कि वन पीस का जो प्लॉट है वो ज़्यादा एक्सप्लोरेटिव है, डाइवर्स एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट करता है कि फॉर द स्टोरी टू एक्सपेंड, कि एक पॉइंट के बाद भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता कि इतना लंबा क्यों खींच रहा है क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड को बेस करके है। लेकिन नारुतो में जो हुआ है कि इत्तू सा वर्ल्ड को हमें स्पेसिफिक या फिर स्पेसिफाइड कर दिया जाता है कि हाँ कि इन्हीं 5 कंट्रीज में ये होगा, तो स्कोप को बहुत ज़्यादा नैरो कर दिया जाता है। नारुतो थोड़ा सा पीछे रह जाता है लेकिन क्या कहो, नारुतो ज़्यादा थीमेटिक टाइप है, मतलब वन पीस अगर एक्सप्लोरेटिव टाइप है कि पूरे वर्ल्ड को डिस्कवर करना है कि पूरे वर्ल्ड से लड़ना होगा, लेकिन नारुतो कुछ स्पेसिफिक थीम्स के ऊपर है जैसे पेन, वॉर, फिर पॉलिटिक्स, ऐसे हो गया। और इन्हीं स्टोरीज लाइक DB, फिर यू यू हकुसो और ब्लीच, नारुतो, वन पीस, इन्हीं ने सोनेन जेनर को डिफाइन किया है। तो कंक्लूसन ऑफ दिस पॉइंट इज इस प्लॉट या फिर सेटिंग कह सकते हैं कि इन सेटिंग्स की वजह से वन पीस को ज़्यादा डायनेमिज्म मिल जाता है, बहुत स्कोप बहुत बड़ा हो जाता है और इससे एक बैकफायर हो जाता है कि स्कोप टू मिस्टेक, पता नहीं इंग्लिश सही है कि नहीं, मतलब बहुत ज़्यादा वल्नरेबल हो जाता है कि एक पॉइंट मिस हो जाए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। उसी तरफ नारुतो एक वोकांडा टाइप कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट ही कह सकते हैं, 5 देश का कॉन्टिनेंट पर बेस्ड है। तो एक मतलब क्या कहो, स्कोप बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड हो जाता है। तो पॉइंट नंबर 2 है वर्ल्ड बिल्डिंग एंड स्टोरी लाइन, और ये एक ऑब्वियस बात है कि वर्ल्ड बिल्डिंग में वन पीस ही आगे रहेगा, इसमें कोई अलग सी बात नहीं है। मतलब
मीडिया इन्फ्लुएंस है, पॉलिटिक्स या फिर रेशियल इशूज, मतलब क्या कुछ नहीं है वन पीस वर्ल्ड में। और आजकल के न्यूज एंड मंगा का एक माइलस्टोन की तरह देखते हैं उसको, लेकिन नारुतो भी इसमें कुछ पीछे नहीं, मतलब वर्ल्ड बिल्डिंग में नहीं पर स्टोरी लाइन में। और इसमें जो पॉलिटिकल या फिर रेशियल इशूज या फिर मतलब जहाँ उच्चास वहीं पर पॉलिटिक्स, ये एक देख सकते हैं, बट दैट्स इट। पॉलिटिक्स में अगर देखेंगे तो उच्चास के अलावा और कोई लफड़ा है नहीं, लेकिन जहाँ पर रेशियल या फिर रेसिज्म है नारुतो में वो बहुत ज़्यादा मतलब हार्ड हिटिंग, लाइक ह्यूगा या फिर उज़ामा की मैसेकर बोल दो, उचिया मैसेकर तो है ही, वो अलग से बात नहीं करना, मतलब वो तो आप सबको पता ही है। और ह्यूगा रेसिज्म या फिर फैमिली सिस्टम, ये आपको एक ऐसी जगह हिट करता है कि आप समझा नहीं सकते। तो पॉइंट नंबर 3 जो है वो है प्रोटैगनिस्ट और एंटीगनिस्ट। और इस पार्ट को स्टार्ट करने से पहले एक लफी का एक कोट है वो देख लेते हैं। लफी नहीं, जोरो का भी है, बट दोनों का ही रिलेवेंट है इस पॉइंट से। हीरो यादा नानियो इतना जो खाई दोगे ना को हीरो आदाय स्किल के तो नारुनो आई यादा मैं हीरो ते नंदा का वाकते नो का तत्त्वा निकू गार्ड रो खाई दोगे आ निकू दे उतागे ओ यारु के तो हीरो आ निकू ओ शितो नी वाके आतायरो यात्र नो को तो दा अरे वा निकू ओ कुई दे। तो यही है मेन पॉइंट, मतलब की पॉइंट कह सकते कि नारुतो जहाँ एक तरफ एक लीडर बनना चाहता है या फिर एक रिस्पेक्टेड गाय बनना चाहता है, लफी उसका पोलर ऑपोजिट है। वो बस अपने सपने की तरफ दौड़ना चाहता है और कह सकते हैं कि वो है उसका सपना है, बीच में जो भी आएगा वो उसे फेस करेगा, सही गलत का उसका कोई घंटा फर्क पड़ता है कि कोई भी आ जाए या फिर कोई भी मर जाए, उसके सामने बस उसका ड्रीम है। और यही उसे एक अलग पहचान देता है दूसरे सोनेन या फिर सीनेन प्रोटैगनिस्ट से। पॉइंट टू बी नोटेड इज आप नारुतो का हीरो कॉम्प्लेक्स और लफी का 21 साल में, 21 मतलब 17 साल की उम्र में स्टार्ट किया था और अभी 21 या 22 है शायद, तो टेक्निकली 3 ईयर्स, और इसमें बहुत कुछ हो गया है। और मतलब इतना कैरेक्टर डेवलपमेंट अब इग्नोर करना चाहेंगे, बस इतना ही। मैंने बहुत से लोगों को आज तक, मतलब लगभग 7-8 साल हो गए मेरे इस कम्युनिटी में, और बहुत से लोगों को वन पीस और नारुतो रिकमेंड किया है, बट नारुतो सबका एक ही पॉइंट है कि नारुतो को अगर सास्के को वर्ल्ड करके अपने ड्रीम की तरफ जाता या फिर सास्के को मार के मतलब सास्के पार्ट को अवॉइड करके वो अपने ड्रीम को अचीव करने पर ध्यान देता तो एक अलग लेवल पर होता, जो कि लफी ने इसके वक्त किया था। उसको जाने दो, वो मर गया, अभी जो करना है वो है उसका ड्रीम अचीव, और कुछ उसके पास है नहीं। नाउ एंटेगोनिस्ट के पार्ट में ये क्वालिटी वर्सेस क्वांटिटी टाइप हो गया, मतलब वन पीस में क्या कहते हैं, बहुत से आर्क हो गए, मतलब 16 या फिर ऐसा कुछ आर्क हो गया, और हर एक का अलग अलग एंटेगोनिस्ट है, मतलब क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्वालिटी में मैं हाथ में गिन के बता सकता हूँ आर्लॉन्ग, काइडो, डोफी, इनके अलावा कोई एक एक्सेप्शनल, मतलब क्या कहो, एंटेगोनिस्ट वाइब वाला विलेन या फिर एंटेगोनिस्ट कह नहीं सकते। इस पॉइंट में एक और लाइन ऐड करना चाहूँगा कि इन सब के बीच में ये सब प्लान आइजन का है। ओके, सो फॉर्मेलिटी ख़त्म करके इन सब का कंपैरिजन कभी पेन, मतलब एक नागाटो, मतलब यही को कोनन असाइड नागाटो या फिर मार्डरा के साथ कंपेयर
का कोई स्कोप ही नहीं है। मैंने आलम का ये ऐड किया क्योंकि उसके बैक स्टोरी या फिर कैरेक्टर डेप्थ या फिर जो एक्सपीरियंस बचपन से उसका होता आ रहा है उसका नेचुरल है या फिर कैरेक्टर डेप्थ बहुत ज़्यादा है। डोफी भी है अच्छा, लेकिन उसके फैंडम की वजह से वो ओवररेट हो गया है अभी बहुत हद तक। अच्छा मतलब डोफी का बैक स्टोरी के अलावा और कोई एक्सेप्शनल फैक्ट है नहीं। और उस तरफ काइडो मतलब वो मतलब क्या है कहो, मज़ा आ गया था। मतलब जब भी मैं लफी को धुलते हुए देखता हूँ पता नहीं बहुत मज़ा आता है। अच्छा जो भी हो मतलब लेकिन उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि अभी उसका बैक स्टोरी या फिर उस पर ज़्यादा लाइट नहीं पड़ा है तो आगे देखेंगे जब आएगा। अगला पॉइंट है कैरेक्टर्स, उनका यूजेज और उनका कंक्लूजन। और मैनी में डिसएग्री बट मैं इस मतलब फॉर द मोस्ट पार्ट मैं नारुतो को सपोर्ट करता हूँ इस पॉइंट पे कि उनका कैरेक्टर यूजेज या फिर कंक्लूजन क्या हो सकता है स्पेशली फीमेल कैरेक्टर्स पे। अब कमेंट्स में ज़्यादा ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, मैं दोनों ही देख चुका हूँ मांगा भी, सो ज़्यादा ज्ञान देने की जरूरत नहीं। अच्छा ये आप नामी को देख सकते हैं, मतलब शायद से 21 साल की हो गई अभी और एक बच्चे के साथ वो वाला सीन मतलब आप समझ ही सकते हैं जो बचपन से ही। मतलब मेरा पॉइंट है कि सिर्फ बैक स्टोरी दुपहरी आत्मा होने से ही कैरेक्टर अच्छा नहीं हो जाता विथ मतलब फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ कोर्स। मतलब नामी के नामी इज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ इट या फिर आप बट रॉबिन इज लाइक गोटेड कैरेक्टर आप कह सकते हैं। रॉबिन उससे किसी का कंपैरिजन चलता नहीं इन मामलों में। या फिर आप विवी को भी एक अच्छा एग्जाम्पल देख सकते हैं। या फिर अब हम आते हैं नारुतो की तरफ, मतलब साकुरा जो एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है मतलब पेरेंट्स से बेसिकली एक अच्छे खासे एज तक हार्डशिप नहीं देखती, सब अच्छे से बिहेव करते हैं, सोसाइटी में एक्सेप्टेड है। आप उसे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो नारुतो या फिर सास्के का प्रॉब्लम समझे। लेकिन समझी थी लेकिन वो भी नॉन कैनन मूवी में बट या ओके उसके बचपन के वर्जन को अभी करंट वर्जन को ज़्यादा कंपेयर करती के देखिए, मतलब वन ऑफ कमाल का कैरेक्टर डेवलपमेंट हुआ है। या फिर इनों को ही देख लीजिए उसका मैच्योरिटी। या फिर हर एक का अलग अलग एक पर्सपेक्टिव है दुनिया को देखने का और उसे नारुतो में मेरे हिसाब से बेटर दिखाया गया है फीमेल कैरेक्टर्स के बारे में। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि सिर्फ डॉक्टर या फिर हीलर है इसलिए कैरेक्टर अंडर यूज थे, जहाँ पर यूज़ करने लायक स्कोप था वहाँ पर उसे मैक्सिमम पोटेंशियल पर यूज़ किया गया था। जैसे वो हाँ याद है साकुरा का वो हेल्प मी वाला सीन, मतलब आप अगर रीवॉच करेंगे मतलब हम तो लगभग 1000 बार नारुतो का सीन्स रीवॉच करते हैं फाइट सीन, तो ये वाला भी सीन देख लीजिए कि एक मेडिक निंजा जब तक 1000 सील अनलॉक नहीं करती एक फाइट में स्ट्रेट हेड जंप नहीं कर सकती जब तक उसके सारे के सारे साथी ना मर जाए, मतलब वो ही आखिरी फाइटर होनी चाहिए या फिर होना चाहिए फॉर द फेमिनिस्ट होनी चाहिए या फिर होना चाहिए। अच्छा और इसीलिए वो हेल्प नहीं कर पाए थे नारुतो को उस फाइट में, लेकिन जब वो चियो और सासुरी वाला फाइट था तब उसने अपना फाइटिंग पावर शोकेस किया और जब उसने अनलॉक कर लिया तो तब आप देख ही सकते हैं। या फिर बोर्डो में भी देख सकते हैं सिनुचिया के साथ कमाल का फाइट सीन था। या फिर कुशीना का भी आप देख सकते हैं कि एक सिंबलिज्म होता है कि हर एक ड्रीम
पूरा होने के लिए नहीं होता है, एक कैपेसिटी तक होता है। जैसे आप टिन टिन को देख सकते हैं, उसके वो सपना देखती थी लेकिन उसके कैपेबिलिटी के बाहर देखती थी, या फिर उतना हार्ड वर्किंग नहीं था थी। सिर्फ सपना देख के कुछ नहीं होगा, या फिर इनो अब एक साइकिक टाइप को या फिर माइंड ट्रांसफर जुटसु यूजर क्लैन से बिलोंग करने वाली को आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि डायरेक्ट वॉर में वो हेड ऑन एनिमी से लड़े। अरे सेज ऑफ सिक्स पाथ का वेपन उसके पास था, मतलब एट द एंड एंड की तरफ, सो अब देख ही सकते। या फिर हिनाटा को देख लीजिए, हिनाटा का ड्रीम था ही नहीं कि वो एक एक्सेप्शनल शिनोबी बने। उसका ड्रीम ये था कि उसे कोई अपना मिले, या फिर एक जो फैमिली कह सकते हैं, क्योंकि वो बचपन से देखी थी कि ब्रांच फैमिली सिस्टम में वो बड़ी हुई थी, और उसे फैमिली यही वर्ड बहुत ज़्यादा खटकता था जब तक वॉर ख़त्म हुआ तब तक। तो आप समझ सकते हैं, या फिर उसे अपने क्लैन की लीडरशिप छोड़नी पड़ी थी जस्ट बिकॉज उसने अपने क्लैन के बाहर जैसे एलाबामा मतलब रिजेक्ट किया था नारुतो से शादी करने के लिए। उसे अपना क्लैन का लीडरशिप छोड़ना पड़ा था। या फिर कुशीना को भी देख सकते हो, जो कि सैक्रिफाइस की उमेन का सैक्रिफिशियल नेचर को रिप्रेजेंट किया था, कि एबिलिटी होने के बावजूद भी उसने अपने किसी अपने के लिए अपना सपना सैक्रिफाइस किया था। तो आप ये सब कह सकते हैं, या फिर आप निजी ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि अनपॉपुलर ओपिनियन है, लेकिन उसका कंक्लूजन जो था वो उसके कैरेक्टर के हिसाब से ठीक हुआ, क्योंकि चुनिन एग्जाम में उसके नारुतो के साथ फाइट के बाद उसका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा वाइडन हो गया था, और बहुत बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड हो गया था, फिलैंथ्रोपिस्ट टाइप का, कि हाँ कि एक दिन ये सिस्टम एबॉलिश होगा, फैमिली ब्रांच सिस्टम। अगर वो नारुतो को या फिर उसके आइडियोलॉजी को जो इतने सालों से वो रिटेन करके रखा था, अगर ये सब दिखता या फिर जिंदा दिखता, तो उसे खुद में भी और नारुतो में कहलो आइडियोलॉजी को पर इतने सालों से जो रिटेन किया था उस पर शक होने लगता है, इसीलिए उसको मार दिया गया था, ना कि वो कैरेक्टर डेवलपमेंट का फालतू बकवास का, या फिर हिनाटा नारुतो का वो बकवास का। यहाँ तक कि आप बोरुतो और नेजी का कॉन्वर्सेशन भी देखे तो भी आप समझ सकते हैं कि वो क्यों मार गया था। एनिमे में उसका थोड़ा सा एडेप्टेशन गलती हो गया था, मांगा में आप देख सकते हैं क्यों, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड लिस्ट में नेजी सबसे करीब था नारुतो के, और ओबिटो से समझाना जाता कि वॉर था क्या। तो आप समझ सकते हैं, लेकिन उस तरफ वन पीस में इसको तो जाने दीजिए, वो मतलब क्या ही कहो, उसे कैरेक्टर ही कुछ ऐसा था कि पहले वो गया काइडो से लड़ने, यामाटो से हो गया उसका ख़त्म, यामाटो से लड़के उसका खुद का ही बारह बज गया, फिर उसका लेवल फिर भी उसे समझ नहीं आया खुद का लेवल, फिर ब्लैक बीट से लड़ना चला गया, मतलब कुछ भी। और इतने सालों से वो उस शिप में था लेकिन उसे ब्लैक बीट के एबिलिटी का पता नहीं था। अच्छा, फिर नोवेल में शायद से मतलब सीओ नहीं हो, बट उसके पास हकी यूज़ करने का एबिलिटी था, लेकिन फिर भी उसने वॉर में उसे यूज़ नहीं किया, और इतना सब सैक्रिफाइस को देखते हुए भी उसके आई वांट टू लिव वो वाला इमोशन उसके आया ही नहीं, मतलब कुछ भी। इसके कैरेक्टर का सत्यानाश हो गया, मतलब अगर स्टैंड आउट कैरेक्टर अगर कह सकते हैं तो फिर मरीन फोर्ट में एडमिरल थी, और वो
व्हाइट बेड के अलावा और किसी का शोकेस अच्छा नहीं हुआ, या फिर बोआ हैनकॉक, अच्छा उसको देख लीजिए, मतलब इतना कुछ होने के बावजूद वो लफी पर सिंपिंग करती है, मतलब कोई सेंस नहीं बनता इस बात का, मतलब रॉबिन या फिर विवी के अलावा और कोई बहुत कम सेंसफुल वर्ड का शायद मैं गलत हो सकता हूँ, सेंसफुल कैरेक्टर, फीमेल कैरेक्टर बहुत कम है वन पीस में। अच्छा तो अब यह वाला पॉइंट है एंडिंग, ओपनिंग और ओएसटी सेट। अब अगर हम ब्लीच को इंक्लूड करते इस लिस्ट में तो ये ऑब्वियस था कि वही जीतता, लेकिन जो कि हम उसको इग्नोर कर रहे हैं तो ये इसमें एक कॉम्पिटिशन करने लायक कुछ खास है नहीं, क्योंकि ये एक काइंड ऑफ टाई सिचुएशन है। आप कह सकते हैं कि जहाँ पर वन पीस को बाद में डिस्कस करते हैं, नारुतो का ओएसटी सेट जहाँ वेल अक्लेम्ड, वेल फेम्ड, वेल यूटिलाइज्ड, वेल अप्रिसिएटेड, आप जो जो वेल कह सकते हैं वो है, वहीं पर अच्छा चलिए तो वहीं पर वन पीस का अंडर अप्रिसिएटेड, अंडर यूटिलाइज्ड, रेदर वेस्टेड एसेट आप कह सकते हैं, क्योंकि उसका वन ऑफ द मेन रीजन्स ये है कि मोस्ट ऑफ द पीपल कम्युनिटी में देखते हैं कि मांगा को प्रेफर करते हैं, या फिर अगर एनिमे सजेस्ट भी करे तो भी कहते हैं कि 400 एपिसोड तक वेट करो फिर अच्छा हो जाएगा, लेकिन वैसा कुछ प्रॉब्लम है नहीं क्योंकि 30 तो यह शुरू से ही था और अंत तक रहेगा। वन पीस की बात कर रहा हूँ ऑब्वियसली, ब्लीच की नहीं, क्योंकि ब्लीच पैदा होने से पहले ही वो 30 था। अच्छा जो पॉइंट था जो उसके बारे में बात कर रहा था, वन पीस के एनिमे को बहुत कम लोग सजेस्ट करते हैं और मांगा के ऊपर चले जाते हैं जहाँ, और इसी वजह से इसका जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट अंडर यूटिलाइज्ड एसेट है जो है उसका वेस्ट एसेट, वो अंडर यूटिलाइज्ड, अंडर अप्रिसिएटेड रह जाता है। वन पीस हैज वन ऑफ द बेस्ट सेट ऑफ वेस्टीज, लिख के देता हूँ, बिंग सिक या फिर मदर और सी गुड बाय, जस्ट फॉर एग्जाम्पल हैज वन ऑफ द बेस्ट सेट, अगर यूटिलाइज किया होता तो ये 400 एपिसोड तक का वेट हमें नहीं करना पड़ता, लेकिन नहीं किया क्योंकि तब मोस्ट प्रोबेबली 2000 ड्रैगन बॉल चल रहा था और लोग उसी पर ज़्यादा फोकस थे, मतलब टॉय स्टूडियो, तो वन पीस के बारे में कोई ध्यान नहीं दिया। अब उस दूसरी तरफ नारुतो का यूटिलाइजेशन बहुत सही किया गया था वेस्ट सेट में। वन पीस का एक और बात भी बोल दूँ जहाँ पर वो फर्स्ट वेस्ट ओपनिंग किया था, हाँ वीगो जो ओपनिंग था वो एज एन ओपनिंग ओकेज था, जो कि अब एक नॉस्टैल्जिक चीज बनकर रह गया है, लेकिन जब उसको एज एन OST यूज किया गया सांजी वर्सेस लफी के फाइट में तब इधर लगा था, लेफ्ट साइड ही है, अच्छा इधर लगा था, और इसे और भी कई जगह यूज किया जा सकता था, या फिर वो जिम्बे और लफी का कॉन्वर्सेशन उस शिप में मरीन फोर्ट की तरफ आते हुए जब मदर सी यूज किया गया था, तब भी ऐसे इस मोमेंट को आप लॉकर में बंद करके रखना चाहेंगे, क्योंकि OST को मैक्सिमम या फिर ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज किया गया था, जहाँ तक कि 90% पार्ट, मतलब वानो या फिर होल केक से पहले OST को ढंग से यूज ही नहीं किया गया था, और इसीलिए इसका कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता, क्योंकि ये कंपैरिजन करने के लायक ही नहीं है, और ये पूरा गलती जाता है मोस्टली फैंडम को, क्योंकि जब भी कोई वन पीस शुरू करने जाता है सुबह देते 400 तक वेट कर लो,
और इसी वजह से वो मांगा की तरफ चला जाता है। और अब वन पीस फेमस भी हुआ है उसी की वजह से, मतलब एनिमे जो कि हुआ है 2019 के एंड की तरफ से, जो कि वन वो डीसी या मार्वल मतलब कॉमिक सेल्स में सेकंड आया तब के बाद, उसके बाद ये एनिमे को स्पॉटलाइट मिला। वरना स्पॉटलाइट के हिसाब से तो बोरूटो भी वन पीस से आगे होगा एनिमे, बट एटलीस्ट अभी वानों में इसको यूज किया जा रहा है और इसी की मुझे खुशी है। पावर स्केलिंग, फाइट सीन या फिर स्पॉटलाइट, नॉस्टैल्जिया, हाँ ये सब पॉइंट्स मैंने एक्सक्लूड कर दिया था, मतलब टू बी स्पेसिफिक अबाउट टॉपिक, क्योंकि ये सब स्टूडियो टू स्टूडियो वेरी करता है, क्यों और ये टाइम टू टाइम भी वेरी करता है, क्योंकि पिछले कुछ समय से डिमन स्लेयर को कुछ स्पॉटलाइट मिल रहा था, फिर MHA आया, फिर माई विलेन एकेडमिया मतलब MHA का ही, अब बोरूटो का ये आर्क आया है। सो ये टाइम टू टाइम वेरी करता है, और एनिमेशन, आर्ट स्टाइल, फाइट सीन्स, ये स्टूडियो टू स्टूडियो वेरी करता है, जो कि अलग अलग स्पेशलिटी होता है, तो इसमें कुछ खास कंपेयर करने लायक होता नहीं है। तो आप अगर कोई मैं पॉइंट मिस कर गया हूँ या फिर कोई पॉइंट इंक्लूड करना मतलब सही रहता या फिर जो करना चाहिए था आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो आज का वीडियो यहीं तक ही, अगले वीडियो तक मतलब जल्दी आऊँगा, मतलब इस बार सच में जल्दी आऊँगा, एक और वीडियो भी इन प्रोग्रेस है, सो वो भी अगले हफ्ते तक आ जाना चाहिए। सो थैंक यू और मिलते हैं अगले वीडियो में।